Hey guys, I'm back with another video. I hope you all are doing well. Please like my video, share and subscribe and also hit the bell icon. Whenever I uploaded a video, you got notified. So, आज का जो मेरा क्लास है वो डिमांडिंग है. आज का जो मैं क्लास दूंगी या बताऊंगी आपको उसमें है क्रिचफ्स लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब के व्यू से भी. ITI में भी आपको पढ़ना होता है, 12th में भी पढ़ना है इवन. मतलब आप बोलो तो अगर कि क्लास 11 से 10th हो, 11, 12 उसमें पढ़ना है. लेकिन हाँ, हर बार क्या होगा, इसका वाइड रेंज जो होगा इसका थोड़ा और वाइड होता जाएगा. मतलब और जो आप डीपली नॉलेज ले सकोगे. तो आज मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ जिनको क्रिचफ्स लॉ समझ में ही नहीं आता अच्छे से. सो आज मेरा वीडियो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को देखिए. और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप नोटिफाइड, आप जो है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है. तो क्रिचफ्स लॉ जो है वो क्या है, है ना. क्वेश्चन सबसे पहले यही आता है, क्रिचफ्स लॉ क्या है और इसके कितने नियम हैं, ये कब बनाता है ना, और जो है इसके बारे में कितने नियम हैं, कैसे कैसे ये काम करता. क्वेश्चन तो बहुत सारे दिमाग में, लेकिन पहले पता चलना चाहिए क्रिचफ्स लॉ है क्या, है ना. तो क्रिचफ्स जो थे एक वैज्ञानिक थे. जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, हर एक वैज्ञानिक या फिर हर एक आदमी जो किसी चीज़ को जो है ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में बताता है, वो जो अधिकतर क्या होता था पहले में, उसी के नाम से वो चीज़ रखा जाता था नाम की वजह से. तो इन जो ये जो है जिसका आविष्कार किए हैं वो क्रिचफ्स ही का नाम था, ठीक है. तो उनके नाम पर ही ये नियम का नाम पड़ गया है क्रिचफ्स लॉ. जब यह आपका जो स्टार्टिंग कब हुआ था, ये क्रिचफ्स लॉ जो है बनाया था क्या था, तो 1945 में. कब बनाया गया था, 1945 में. अच्छा, क्रिचफ्स लॉ में जो है दो नियम आते हैं, ठीक है, दो नियम. इसका पहला नाम होता है KCL और दूसरा नियम होता है KVL, ठीक है. अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये क्या लिख दिया यहाँ पे, KCL KVL, ठीक है. तो KCL को बोलते हैं क्रिचफ्स करंट लॉ और दूसरा को जो है KVL को बोलते हैं क्रिचफ्स वोल्टेज लॉ. तो मैं आपको जो है बताऊंगी आज क्रिचफ्स के दो नियम होते हैं, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो चर्चा के लिए वो होगा सिर्फ KCL. क्या होगा, सिर्फ KCL, ठीक है. लेकिन आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट वाला जो वीडियो मैं श्योर जो है KVL का ही अपलोड करूंगी. फिलहाल अभी आपको बता दूँ कि KCL में आपको क्या करना, KCL आप कैसे पता कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसका जो है डेफिनेशन पूछा जाता है. तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा. तो KCL आपको जानना है तो यहाँ से KVL मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो वीडियो उसमें मैं लेके चलूँगी KVL को, ठीक है. अभी जानते हो KCL क्या है. तो KCL का जो है दो या तीन या चार नाम भी है जो आपको देखने मिल सकता है. मतलब बोलूँ तो अगर कि हर बार क्या होगा, इसका नाम जो है अगर एग्जाम में दे देगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसका नाम ये है, तो आप कैसे पता करोगे कौन सा किसके नियम से है. तो क्रिचफ्स करंट लॉ का जो है दूसरा नाम है, ठीक है, धारा नियम उसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं, धारा नियम, ठीक है. धारा नियम बोले, दूसरा क्या बोल सकते हैं, नोड का नियम. क्या बोल सकते हैं दूसरा, नोड नियम. तीसरा क्या बोल सकते हैं, जंक्शन नियम, ठीक है. तो इतने सारे नामों से, और आपका ये तो दिख ही रहा है क्रिचफ्स करंट लॉ, ठीक है. तो इतने नामों से आपको जो है पहला नाम लॉ जो है पुकारा जाता है. पहला हो गया आपका धारा नियम, दूसरा नोड नियम, तीसरा जंक्शन नियम. अच्छा, नोड जंक्शन सब है क्या, ठीक है. एक पर्टिकुलर जो है जगह है जहाँ से जो है करंट निकल भी रही है और करंट एंटर भी कर रही है. क्लियर है ये वाला बात, ठीक है. मैं आपको फिगर से बताऊंगी, लेकिन आपको ये जानना है अभी कि पहला क्रिचफ्स करंट लॉ कहता क्या है ना. तो क्रिचफ्स करंट लॉ जो है वो कहता है कि किसी जंक्शन पर आने वाली करंट का मान, ठीक है, और जंक्शन से बाहर निकलने वाली करंटों का मान क्या होता है, बराबर होता है. आई एम श्योर कि आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोली हूँ. मतलब आप समझिएगा एक बात, अगर मैं मान लूँ, अगर सपोज ये जंक्शन है, मतलब ये एक मीटिंग पॉइंट है, ठीक है. यहाँ से जो मैं बहुत सारा जो है रेखा दे रही हूँ, सपोज
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इनकमिंग आउटगोइंग हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, आउटगोइंग हो रहा है, ठीक है। सपोज अभी मैं कुछ डिफाइन नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी भी जंक्शन पॉइंट मतलब क्या, सारा करंट निकलने वाला बाहर, अगर कोई आई ऐसा सारा में आई करंट है, आई वन आई टू, आप नाम दे दो आई थ्री आई फोर और आई फाइव, ठीक है। तो ये जितना सारा करंट है निकल रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सारे कहाँ से, एक पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं, तो ये पॉइंट कहला रहा है, क्या कहला रहा है, जंक्शन पॉइंट कहला रहा है, क्या कहला रहा है, जंक्शन पॉइंट। इसी का नाम जंक्शन है, इसी का नाम नोड है, क्लियर है आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ बोलता है कि जंक्शन की ओर आने वाला करंट बराबर होता है जंक्शन से निकलने वाले करंट के, क्लियर है। तो डेफिनेशन यही कहता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इस परिभाषा को हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीकों से बोल सकते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट जो है और जंक्शन से बाहर निकलने वाली करंट का मान क्या होगा, बराबर होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि ठीक है, ऑल द क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपका जो जंक्शन है, यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग मीटिंग पॉइंट इज जीरो, मतलब करंट का जो भी योग इस जंक्शन पे है, इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो दो तरीके से आप पता कर लिए इसका जो डेफिनेशन है वो, ठीक है। आई होप आप भूलोगे नहीं, अगर भूलते भी हो तो प्लीज़ एक से दो बार वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। बुक में आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मैं यहाँ जो है बताऊँगी आपको शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट तरीका, जैसे आप पता कर सको, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है कहाँ कहाँ यूज होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ साथ कि कहाँ कहाँ यूज भी होता है, ठीक है, कौन कौन से सर्किट का यूज कर सकते हो। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो, ठीक है। या तो ये बोल सकते हो, या तो बोल सकते हैं जंक्शन की तरफ आने वाली करंट बराबर होती है जंक्शन से निकलने वाली करंट, मतलब दोनों पॉइंट पे क्या हो रहा है, जंक्शन को हम लोग कॉमन पॉइंट ले रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको जो है अगर दिखाऊं आपको फॉर्मूला की तरह डेरिवेशन करके, तो ये भी आपको आपके दिमाग में रहेगा। अगर सपोज कोई करंट है मेरा आई वन और आई टू, ठीक है, तो ये जो है हमेशा याद रखेंगे आप, जब जैसे ही जंक्शन की तरफ आने वाली करंट होती है ना, आने वाली करंट, इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव से दिखाते हैं, जनरली दिखा सकते हैं किसी से भी, लेकिन जनरली क्या करते हैं, जो एंटर कर रही है उसको दिखाते हैं पॉजिटिव से, जो आउट मतलब जो है लेआउट जिसका इधर से हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव, ठीक है। ये समझ में आई बात। अगर कोई बोलता है कि दो करंट आपका आई वन आई टू जो है वो अंदर की तरफ आ रही, तो इसको प्लस करके दिखा दिए, ठीक है, वो बराबर होती है। अभी मैं क्या बता रही हूँ, जो मैं डेफिनेशन बता रही हूँ उसी का जो फॉर्मुलेटिकल हम मैं यहाँ पे जो एक इक्वेशन डराइव करूँ, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अगर कोई करंट है आई थ्री आई फोर और आई फाइव, जो कि मेरा यहाँ पे जो कि मेरा क्या कर रहा है, जो मेरा बाहर निकल रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक तो बताया आपको कि जंक्शन पॉइंट पे कोई भी करंट आ रही है, जंक्शन पॉइंट से निकल रही है, तो क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। अब इसको जो है इस तरह का फॉर्मूला जो मैंने देख लिया है यहाँ पे, इसको दो तरीके से मैं लिख सकती हूँ, एग्जामिनेशन में आता है कई बार कि कैसे लिख सकते हैं इसको। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा इसको ऐसा लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू, ठीक है, ये जो है इस बराबर को इधर ले आई, इसको पूरे को इधर ले आई, तो माइनस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट द पॉइंट इज जीरो। तो दोनों यहाँ पे डेफिनेशन आपको देखने को मिल गया, इससे पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपको फिगर के अनुसार दिखाऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए यहाँ से जो एक करंट है 2 एम्पियर, ठीक है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। आप जब भी न्यूमेरिकल बनाए या जब भी कुछ चीज़ डिनोट करें तो उसका यूनिट वहाँ जरूर लिखे, ताकि जो है कोई भी नया व्यक्ति भी अगर उसके हाथ में वो कॉपी पहुँचता है या फिर आपको मिलता है सॉल्यूशन टाइप का, तो पता चल जाए कि हाँ ये करंट को दिखा रहा है, ये रेजिस्टेंस को दिखा रहा है, ये वोल्टेज को दिखा रहा है, ठीक है। तो दो हो गया मेरा यहाँ पे, इसको मैं बोल दूँ अगर 4 एम्पियर, ठीक है, और ये हुआ 1 एम्पियर, ठीक है, और ये हो गया मेरा 3, ये हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा जो है फिगर कंप्लीट नहीं है, अभी मैंने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन नहीं दिया, ठीक है,
इसका पूछा गया है कि हाँ इस पूरे ब्रांच में कितना करंट है। क्वेश्चन ऐसा आता है केसीएल में, ठीक है, कि इस पूरे ब्रांच में करंट कितना आता है। तो कैसे पता करेंगे कितना आता है, तो मैं समझने का तरीका बता रही हूँ आपको। देखो यहाँ क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट हो रहा है, इनकमिंग करंट मतलब इस वाले जंक्शन में कितना कुल करंट हो रहा है, 2, 4, 6, 6, 7। तो यहाँ से जो है ये वाला 7 एम्पीयर करंट क्या हो रहा है, आउट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले ब्रांच पे आपका 7 एम्पीयर तो आया ही, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है कि इस पूरे ब्रांच में कितना करंट है, तो पूरे ब्रांच में कितना करंट होगा, मतलब ये वाला बताना है आपको, इस वाले ये वाला में। तो कैसे बता सकते, 7 ये हो गया, 3, 10 और 2, 12, मतलब इस पूरे ब्रांच में कितना एम्पीयर है, 12 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। देखा आपने कितना इजी है, ये आप पता कर सकते हो कैसा होता है। क्वेश्चन कई बार ऐसा भी पूछता है, कोर्स देख सकते डायग्राम, ठीक है। इसका नाम I1 है, I2, I3, I4, I5 और I6। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, सब मान लीजिए इनकमिंग करंट है, सारा इनकमिंग, इसमें आउटगोइंग दिया ही नहीं है, ठीक है। अब होता है कि कौन सा जो है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगी, इसका मान होगा 2, ठीक है, इसका दो, ये सब सपोज आप मान सकते हो, 2 हुआ, ये 2 हुआ, लेकिन कुल मिला के जो है आपका ये वाला दिया हुआ है, ये वाला 10 दिया हुआ है, ठीक है, 10 एम्पीयर, सब में एम्पीयर होगा, ठीक है, यहाँ पे 10 होगा। तो बोला जाएगा आपको, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी धारा जो है गलत है, ठीक है, कौन सी धारा का जो है चिन्ह वो गलत है। मैंने क्या कहा कि जो इनकमिंग होता है सारे में जो प्लस हम लोग लेते हैं और आउटगोइंग होता है तो वो माइनस कहलाता है। तो बोला जाएगा इसमें से कौन सा जो है धारा का जो है एरो गलत है, मतलब जो डायरेक्शन वो गलत है। तो आप कैसे पता करोगे, तो डेफिनेटली आप देख दो ये चीज़, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बता रहा है, ये वाला जो 10 है कुल मिला के, मैंने क्या बोला था, जनरिक से हम कॉल कर मीटिंग एट ऑफ पॉइंट इज 0, ये वाला पहला, और दूसरा ये क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो देखो आपको यहाँ चिन्ह गलत लगा है, लेकिन क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट, सारा इनकमिंग मिला के कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और ये वाला जो है आपके लिए 10 का है, तो इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली आउटगोइंग की तरफ होगा, क्या होगा, आउटगोइंग तरफ। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कई बार, तो आपको पता चल गया होगा इस सारे से कि सबसे पहले तो केसीएल का जो है क्या नियम होता है, कितने नाम से इसे जाना जाता है। आज मेरा जो टॉपिक था फुल ऑन जो है वो केसीएल पे ही था। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप करें, और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में कमेंट करें प्लीज़, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टडी ग्रुप में शेयर भी करें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।